हाँ जी बेटा, लेट अस डू चैप्टर पॉलीनोमियल रीजंस एंड वी आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जांपल बुक. क्वेश्चन नंबर 2 है 8. वी आर डूइंग द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. इट इज रिटन द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर प्लस kx प्लस k जो है इट इज रिटन कांट बी Can both be positive? B option. Can't both be negative? C option. Are always unequal. Then D. Are always equal. A option. हाँ जी. कैसे पता चला ये option है? बेटा मेरे पास हो गए, आप यहां पर क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू, हाँ जी बेटा, हम यहां पर बेटा सबसे पहले क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा वो माइनस के बाय वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है दैट इज के मेरे पास हो क्योंकि सी बाय, अगर मैं यहां से देखूं उन्होंने कहा के नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो बोला नहीं. अब अगर मैं यहां देखूं सम ऑफ द जीरो, यानी मेरे पास जो है यहाँ पर टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर के पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर दोनों का सम किस पे डिपेंड कर रहा है K पे, और आगे नेगेटिव है. अब ये डिपेंड कर रहा है कि K नेगेटिव है कि K पॉजिटिव है, उस पे डिपेंड कर रहा है. तो आपने कैसे जज किया कांट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो गए तो आप कह रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तो मेरे पास जो है दोनों पॉजिटिव, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होते तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव ओके. और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे स्टैंडर्ड. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है नाइंथ क्वेश्चन मेरे पास, इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर इक्वल ओके, देन द साइंस ऑफ ए एंड बी की साइन के बारे में बोला हुआ है. पहली ऑप्शन है ए सी एंड ए ऑपोजिट साइन, सेकंड ऑप्शन है सी एंड बी ऑपोजिट साइन, उसके बाद सी एंड ए सेम साइन, देन डी सी एंड बी सेम साइन. वैसे जब आप सी ऑप्शन, आप जब कल को बेटा क्वाड्रेटिक चैप्टर करोगे ना तो वहां पर डायरेक्टली हम कर सकते हैं. कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे होता है. मैंने आगे भी आपको बताया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इसके इक्वल जीरो तभी होते हैं बेटा जब डी इक्वल टू जीरो, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट. आपको ये पॉलीनोमियल में से आया बट वहां पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. सुन लीजिए बेटा पहले ध्यान से मेरी बात, डी क्या होता है फॉर इक्वल जीरोस, इक्वल टू जीरो हो जाता है, और डी क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर इज फोर ए सी. अब ये स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ बी, ये हमेशा पॉजिटिव रहे, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो नेगेटिव. यही मेरे पास है, किसकी बात हो रही है ए और सी की, बी में तो कोई चीज नहीं हो रही, दोनों के सेम साइन होने चाहिए ए और सी के. कहां ऑप्शन है जहां ए और सी के, यहां से लॉजिक फाइंड आउट की. ओके बेटा, मैं बार बार बता रही हूँ इक्वल जीरोस,
इक्वल जीरो मतलब सेम वैल्यूज क्वाड्रेटिक में होता है, डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ किस इक्वेशन पॉलिनोमियल में होता है, क्वाड्रेटिक में, मतलब जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cu, तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो लगा सकते। ओके जी, बात समझ आई है सबको, कोई डाउट तो नहीं, चलू आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है दैट इज रिटन हियर, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है ऑफ द फॉर्म, दे जस्ट गिवन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, जो है वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जो है वो नेगेटिव है दूसरे का, और जब नेगेटिव है तो बेटा हमेशा याद रखना सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाते हैं, जीरो। अगर मान लीजिए एक अल्फा किया मैंने, लेट वन रूट बी अल्फा और दूसरा बीटा, बीटा क्या है नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका मतलब जब भी मैं सम लूंगी ना सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा माइनस अल्फा वो जीरो ही है, अगर वो ना रेसिप्रोकल, वन इज द रेसिप्रोकल तो हमेशा प्रोडक्ट वन होता है, ये चीज प्लीज याद रख लीजिए अपने, ठीक है बेटा। अब बेटा मेरे पास हो गए, यहाँ पर क्या दिया गया, हाँ जी बिल्कुल, अब यहाँ पर क्या मेंशन है क्वेश्चन में, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ द अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज जो है नेगेटिव, उसने कहा कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जीरो आ गया और उसने कहा कि कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, अब कांस्टेंट टर्म नहीं होगी मतलब ये जीरो होगी। वैसे अगर आप यहां से देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ए बाय, मेरे पास माइनस ए बाय वन हो गया, That is equal to zero. A की वैल्यू जीरो, पहली कंडीशन तो यही मेरे पास है ना। अब दूसरी अगर मैं देखूं प्रोडक्ट मेरे पास दैट इज अल्फा इंटू माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू बी, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, अब ये क्लियर कट है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता ना, ये पॉजिटिव बनाने के लिए 100% बी क्या होना चाहिए नेगेटिव, यानी बी क्या है कांस्टेंट है, ये नेगेटिव और ये क्या बनी जीरो। अब ऑप्शन है क्या, क्या कह रहा है वो, उसने फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था हैज नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म मतलब एक्स वाली टर्म नहीं है एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मैंने कहा ना ये नेगेटिव होनी थी, वैसे तो मेरी फर्स्ट ऑप्शन ही पूरी सूट करेगी बट पेपर में प्लीज हमने वास्ट वाला देखना होता है, जैसे आपको क्वेश्चन डाला था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स या कुछ डाला था, तो वो इवन भी हो सकता था कॉम्पोजिट भी हो सकता था, मैक्सिमम बच्चों ने इवन टिक किया था, तो इवन एंड कॉम्पोजिट दोनों ही आने थे, तो इसीलिए सारी ऑप्शन रीड जरूर करनी, यहाँ तो हमें पता है कि फर्स्ट वाली ऑप्शन, हाँ कैसे टू तो इवन नहीं है, प्राइम वाली ऑप्शन ही नहीं मैंने अकेली दी थी, अकेली प्राइम दी थी ना, तो अगर मैं टू इंटू थ्री करती सिक्स तो वो प्राइम नहीं है ना, हमने आपने जो एक एग्जांपल को जो सूट कर रही है वो ले ली, मैं यही तो बात बता रही हूँ जिसमें सारा कुछ आता है, कैसे सिक्स मेरे पास हो गए सेवन इंटू फाइव सेवन इंटू सिक्स, ओके वो इवन भी है कॉम्पोजिट भी है, ठीक है, लेकिन आपने लिया टू इंटू वन, लिया टू इंटू वन वो टू आया कॉम्पोजिट है नहीं है, इवन तो है ना, तो वास्ट कौन सा बना फिर इवन वाला बना, इवन ऑप्शन पूरे केसेस को कवर करता है, हाँ जी ओके। चलिए
नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इनमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है? पहला ऐसे दिया हुआ है, सेकंड ऐसे दिया हुआ है, थर्ड ऐसे दिया है, फोर्थ ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्लीज अरे यहाँ नोट आउट टू है, यहाँ कोई भी नहीं है तो वो रियल जीरो नहीं है, जीरो तो हो गए ना, है ना, यहाँ है वन है इक्वल जीरो से लीनियर नहीं है, रियल नहीं है ना, नॉन रियल तो एग्जिस्ट करेंगे ना, किसके जीरो शिफ्टिंग का फीचर पे वो हायर क्लास का पार्ट होता है, ठीक है, आपने वो नहीं करना है। अभी जो आपको ये समझाया जा रहा है कि हमने ये देखना है, अगर आपके पास पैराबोला है तो 100% वो क्वाड्रेटिक है, पैराबोला जहां मर्जी हो, चाहे वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे या ना करे, हमने जीरोस की बात नहीं की, हमने क्वाड्रेटिक की बात की है, और आपने ये चैप्टर पॉलीनोमियल में पढ़ाएंगे, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो वो पैराबोला बनेगा, हम जीरोस की बात नहीं। अगर मैं पूछती हाउ मेनी रियल जीरोस आर देयर या हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तब आप बोलोगे नो जीरो, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर वन जीरो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर टू जीरो, यहाँ पर वन टू थ्री, क्वेश्चन की फॉर्म को दक्ष समझना है, ओके, हमने ये नहीं देखना कि क्या होता है, क्या पूछा गया उसके हिसाब से अपने आंसर को चेंज करो, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए, ये क्वेश्चन समझिए, ऑलमोस्ट मैंने बेटा इस चैप्टर के आपको